आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों को, जिन्हें दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाया। पेड़ में फंसी साइकिल का रहस्य। इस रहस्यमय पेड़ को देखिए, पेड़ के बीचों बीच एक साइकिल फंसी हुई है। नजदीक से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ ने साइकिल को खाने का प्रयास किया है और सिर्फ आधा ही खाया है, जिसमें सिर्फ साइकिल के आगे और पीछे का भाग ही बचा है। पिछले कई सालों से इस पेड़ और साइकिल को लेकर काफी कहानियां सामने आती रही हैं, जैसे कोई कहता है कि इस पेड़ में फंसी इस साइकिल के मालिक को भूत बताता है, जिसने खुद ही इस साइकिल को इस पेड़ में फंसा दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि ये साइकिल जिस लड़के का था, वह इसे इस पेड़ के पास छोड़कर कहीं चला गया, जिसके बाद पेड़ ने इस साइकिल को निगल लिया। लेकिन इसमें सबसे रहस्यमयी बात ये है कि अगर वाकई किसी इंसान ने इस साइकिल को इस पेड़ के पास छोड़ दिया था, तो साइकिल जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर जाकर पेड़ में कैसे फंस गई? ये लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ने पेड़ में फंसी इस साइकिल को लेकर कई तर्क दिए, लेकिन कोई भी तर्क आज तक सही साबित नहीं हो सका, जिसके कारण ये पेड़ में फंसी साइकिल आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मेक्सिको में खोजा गया रहस्यमयी पिरामिड। आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में कई बार सुना होगा, जो ना जाने कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेक्सिको में मौजूद बेहद ही रहस्यमयी पिरामिड के बारे में। यह पिरामिड न सिर्फ पूरी दुनिया में अपने रहस्यों को लेकर प्रसिद्ध है, बल्कि इस पिरामिड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ताली बजाने पर चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आती हैं। हर देश में कई ऐसे प्राचीन रहस्य दफन होते हैं, जो अपने आप में बेहद ही अजीब रहस्य समेटे होते हैं। कुछ उसी तरह मेक्सिको के यूकाटन क्षेत्र में बना यह पिरामिड न सिर्फ मेक्सिको बल्कि पूरी दुनिया में अपने रहस्यों की वजह से प्रसिद्ध है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक कोलंबिया मंदिर है, जो माया जनजाति सभ्यता के लोगों ने बनाया था, जिसे एक पिरामिड का आकार दिया गया है। इस पिरामिड के नीचे खड़े होकर अगर कोई ताली बजाता है, तो ताली की आवाज रिफ्लेक्ट होकर चिड़ियों की आवाज में बदल जाती है। अगर कई लोग एक साथ ताली बजाएं, तो ऐसा लगता है जैसे कई चिड़ियां एक साथ आवाज कर रही हो, जिस पर ध्वनि विशेषज्ञों का मानना है कि इस पिरामिड के पास ताली बजाने पर आवाज रिफ्लेक्ट होकर क्विटजल नाम के पक्षी की आवाज में बदल जाती है। इस पिरामिड पर कई ध्वनि विशेषज्ञ शोध करने आ चुके हैं, लेकिन कोई भी दावे के साथ साबित नहीं कर सका कि आखिर ताली की आवाज चिड़ियों की आवाज में कैसे बदल जाती है। इस पिरामिड पर शोध करने वाले बेल्जियम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने एक और रहस्यमय घटना को नोटिस किया। उनके मुताबिक पिरामिड की सीढ़ियां चढ़ने पर कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, जैसे किसी बाल्टी में बारिश का पानी गिर रहा हो। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस पिरामिड को बारिश के देवता के लिए माया सभ्यता के लोगों ने बनाया था, और वे लोग बारिश के देवता को ही पूजते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई इस पिरामिड के बेस में खड़ा होकर ड्रम बजाता है या चिल्लाता है, तो हर बार अलग अलग तरह की आवाजें रिफ्लेक्ट होती हैं। मेक्सिको में खोजा गया यह पिरामिड भी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है, जिसे कोई भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया। शापित खजाने का रहस्य। कनाडा के नोवा स्कोटिया तट से करीब 200 फीट दूर समुद्र से घिरा एक छोटा टापू है,
ये महज 140 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे ओक टापू का नाम दिया गया। लेकिन यह छोटा सा द्वीप शायद दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खजाने की खोज का विषय रहा है। इस द्वीप पर खजाने की खोज के लिए दुनिया भर के कई जाने माने खोजी दल और खोजकर्ता भी पहुंचे हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर इतना खजाना छुपा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी हजारों पीढ़ियों को अपने जीवन में पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तलाश में इस द्वीप पर साल 1795 में पहुंचे डेनियल मैकगिन्स। डेनियल जब अपने टीम के साथ इस द्वीप पर पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए, क्योंकि बतूत के घने पेड़ों से घिरे ओक द्वीप का ये हिस्सा पूरी तरह से साफ और मैदानी था, लेकिन इसके बीचों बीच एक गहरा गड्ढा मौजूद था, जिसके बाद डेनियल ने अपने दोस्तों के साथ उस गड्ढे में उतरकर खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ फीट गहरी खुदाई के दौरान उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली, जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। इसके बाद उन्होंने कई आधुनिक मशीनों से खुदाई करना शुरू कर दिया। डेनियल की इस खुदाई का किस्सा उस समय न्यूज़पेपर में भी छापा गया था, जिसके बाद लोगों को और भी यकीन होने लगा कि ओक आइलैंड पर वाकई कोई खजाना छुपा हुआ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये खोज अभियान आज भी जारी है, क्योंकि स्पेन में इस्तेमाल होने वाला प्राचीन सोने का सिक्का और रोमन साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाली तलवार, ये सभी चीजें उसी खुदाई के दौरान खोजी गईं। इसके बावजूद वो बड़ा खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे खोजकर्ता आज भी ढूंढने में लगे हुए हैं। इतिहास का सबसे रहस्यमयी जहाजी लुटेरा। डीवी कपूर नाम का एक शख्स जो सिर्फ एक रहस्य है, जिसे समझने में अमेरिका पुलिस और खुफिया एजेंसी को 50 साल लग चुके हैं, लेकिन फिर भी डीवी के रहस्य को कोई नहीं सुलझा सका। यह इंसान उड़ते हुए प्लेन में $2,00,000 की लूट करता है और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो जाता है। साल 1971 में अपने प्लान के मुताबिक डीवी अमेरिका की एक फ्लाइट में सवार हो जाता है। डीवी के पास एक सूटकेस भी था। प्लेन जब उड़ान भर चुका था तो डीवी कपूर ने बड़ी ही आसानी से प्लेन के सभी सदस्यों से ये बात फैला दी कि उसके पास जो सूटकेस है उसमें एक बम है। अगर उसकी शर्तों को नहीं माना गया तो वह प्लेन में बम को विस्फोट कर देगा। उसकी शर्तों के मुताबिक डीवी को $2,00,000 और 4 पैराशूट चाहिए थे। नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारा गया और उसकी शर्तों को मंजूर किया गया और प्लेन को दोबारा उड़ान भरने को कहा गया। डीवी के प्लान के मुताबिक जैसा चाहता था सब कुछ वैसा ही होता गया। जब प्लेन हवा में उड़ान भर रहा था तभी अचानक डीवी कपूर ने $2,00,000 और 4 पैराशूट के साथ प्लेन से कूद गया। बस वही आखिरी समय था जब लोगों ने डीवी कपूर को देखा था। इस घटना के बाद डीवी को पुलिस द्वारा कई बार ढूंढा गया, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद अमेरिका की एजेंसी ने भी डीवी को ढूंढने के कई प्रयास किए, लेकिन डीवी अमेरिका के लिए सिर्फ एक रहस्य बन गया। यह घटना उस समय की सबसे बड़ी और मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है, और आज भी डीवी कपूर सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। नाजका लाइंस का रहस्य। इस फोटो को ध्यान से देखिए, यह फोटो नाजका लाइन की है। नाजका लाइन पेरू में मौजूद है। यह एक प्रकार का पहाड़ है। यहाँ पर कुछ ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसे देखने पर कभी किसी मनुष्य तो कभी किसी जानवर की आकृतियाँ दिखाई देती हैं।
इन आकृतियों की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि अगर इसके नजदीक जाकर इन आकृतियों को देखने की कोशिश की जाए तो नजदीक जाकर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई सालों की रिसर्च के बाद भी इन लाइनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। शोधकर्ता बस इतना ही जान सके हैं कि ये लाइंस 400 से 700 ईस्वी में बनाई गई होंगी। इस धरती पर मौजूद हर इंसान के लिए नाजका लाइंस आज भी रहस्य बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही रहस्यमय टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।